सियासी गलियारे में चर्चा है कि 11 जून को पायलट कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पायलट को लेकर सियासी सरगर्मी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। पायलट कहाँ है और किससे मिलते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा, ये सवाल सुबह से शाम तक राजनीतिक गलियारे में घूमता रहता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को बस कुछ महीने और बाकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार वापस लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजनीति में सक्रिय होने के साथ टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन भी हैं। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि सचिन पायलट नियमित रूप से टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग में हिस्सा लेते रहे हैं, यानी अगर कभी युद्ध की स्थितियां बनती हैं तब एक कैप्टन के नाते पायलट अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यही ट्रेनिंग लेने के लिए पायलट समय समय पर नई दिल्ली स्थित टेरिटोरियल आर्मी के मुख्यालय में जाते हैं। टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना को सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराने वाली सबसे मजबूत यूनिट मानी जाती है, जो युद्ध के समय आर्मी को मजबूती प्रदान करती है। बुधवार 7 जून को सचिन पायलट टेरिटोरियल आर्मी 124 सेक रेजिमेंट के यूनिट हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां वे अपने साथी अधिकारियों से मिले। इस पलों की फोटो को भी सचिन पायलट ने साझा की है। अपने ट्विटर हैंडल पर सचिन पायलट ने लिखा है, TA-124 सिख यूनिट HQ विथ माई कॉलीग्स एंड फेलो यूनिट ऑफिसर्स, ट्रूली प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, जय हिंद। सचिन पायलट ने सितंबर 2012 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन किया था। पायलट उसके बाद हर साल कुछ समय के लिए टेरिटोरियल आर्मी में कुछ समय सेवा देते हैं। पायलट को सिख रेजिमेंट दी गई है। आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, वहीं कपिल देव, अभिनव बिंद्रा, अनुराग ठाकुर जैसी शख्सियतें टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी हैं। सचिन पायलट टेरिटोरियल आर्मी के इन्फेंट्री यानी पैदल सेना का भी हिस्सा है, जो युद्ध के दौरान भारतीय सेना को बैकअप सपोर्ट प्रदान करती है। वर्ष 1962 और 1965 के युद्ध के दौरान टेरिटोरियल आर्मी के जवानों और अधिकारियों ने सेना का बड़ी मजबूती से साथ दिया था। कारगिल युद्ध के दौरान भी टेरिटोरियल आर्मी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सचिन पायलट के लिए यह बड़े फख्र की बात है कि वे सक्रिय राजनीति में रहते हुए सेना के कैप्टन भी हैं। युद्ध के समय वे बैकअप के रूप में फील्ड या कंट्रोल रूम में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं।